तो हाय एवरीवन, आप लोग के नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ लोग बात करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आप लोग जान सकते हैं, जिनका आप लोग को साल में 6,000 रुपये आप लोग को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आप लोग को मिलता है, उसका आप लोग को जान सकते हैं। उसका आप लोग को पैसा डालना स्टार्ट हो गया है। जी हाँ, पैसा डालना स्टार्ट हो गया है। काफ़ी सारे लोगों को तो पैसा आया है, काफ़ी सारे लोगों को तो पैसा अभी तक नहीं आया है। जी हाँ, जिनके इनका पैसा अभी तक नहीं आया है, क्यों नहीं आया है, आप लोग को कब पैसा आएगा, यानी काफ़ी सारे लोगों को तो जान सकते हैं कि करीबन करीबन 40% लोगों को अभी तक पैसा नहीं आया है। जी, अगर आप लोग को अगर पैसा आ भी गया होगा तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग जान सकते हैं कि जैसे आप लोग का नेक्स्ट किस्त जैसे ही आने वाला आएगा उसमें आप लोग को पैसा रुक जाएगा। जी हाँ, अगर आप लोग वीडियो आप लोग नहीं देखते हैं तो आप लोग को पैसा 100% रुक जाएगा। आप लोग जान सकते हैं काफ़ी सारे लोग को इस बार ही पैसा रोका गया है। क्यों रोका गया आप लोग को ए टू जेड वीडियो आपको इस वीडियो में आपको बताने में आ गए हैं। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने वर्ष में सरकार ने बोलेगा। चलिए, आप लोग को वीडियो को अगर आप लोग को बोलेगा चलते, आप लोग को बताया था कि आप लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा अभी तक क्यों नहीं आया है, और जान सकते हैं KYC कराने के बाद भी काफ़ी सारे लोग को पैसा नहीं आया। जी, आप लोग काफ़ी सारे वीडियो पर कमेंट किए हैं कि सर हमारे अभी तक पैसा नहीं आया, हम क्या करें। तो आप जान सकते हैं अगर आप लोग KYC भी कराए होंगे तभी आप लोग को पैसा नहीं आएगा। जी, अगर कहूँ आप पूछने जाते हैं कि सर हमारे पैसा क्यों नहीं आया है, पैसा क्या में दिक्कत है, किसान में क्या दिक्कत है, तो वहाँ पर आप लोग बताया जाता है कि आप लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अगर आप लोग KYC नहीं कराए होंगे इसी कारण से आप लोग को पैसा रोक दिया गया है। लेकिन आप लोग जान सकते हैं कि ये सवाल तो नहीं है, जान सकते हैं, आप लोग को बताएंगे, आप लोग ए टू जेड वीडियो आप लोग डिटेल्स में आप लोग को बताएंगे आप लोग को पैसा क्यों रुका गया, आप लोग जान सकते हैं। फिर आप लोग वीडियो की तरफ आप लोग चाहते हैं, आप लोग बताते हैं कि आप लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आप लोग क्यों रुक दिया गया है। चलिए, हम देखते हैं वीडियो क्यों देख सकते हैं कि हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सबसे पहले आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। सबसे पहले जान सकते हैं कि हम क्रोम पर आ गए हैं। क्रोम पर आने के बाद आप लोग को सबसे पहले आप लोग को लिखना है यहाँ पर आप लोग को PM किसान। जी हाँ, PM किसान आप लोग को लिखने के बाद आप लोग को देख सकते हैं PM किसान के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। जी हाँ, PM किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। यहाँ पर आने के बाद आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोग को सबसे पहले आप लोग को जान सकते हैं, अगर आपको स्टेटस चेक करना है कि हमारे पैसा अभी तक आया है या नहीं आया है, तो आप लोग को डायरेक्ट आप लोग को देख सकते हैं बेनिफिशियरी स्टेटस पर आप लोग क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप बेनिफिशियरी स्टेटस पर आप लोग क्लिक करते हैं तो आप लोग को देख सकते हैं, यहाँ पर आने के बाद आप लोग को देख सकते हैं मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर से आप लोग खोज सकते हैं। मोबाइल नंबर से खोजने के लिए आप लोग देख सकते हैं, मोबाइल नंबर से खोजने के लिए यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं कि मोबाइल नंबर पर आप लोग को टिक बॉक्स रहने देना है। अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन नंबर से खोजना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर पर आप लोग को टिक बॉक्स करना है। चलिए, मोबाइल नंबर से हम खोजते हैं। मोबाइल नंबर से खोजने के बाद आप लोग जी मोबाइल नंबर से खोजने के बाद उसके बाद आप लोग इसमें आप लोग मोबाइल नंबर फिलअप कर लेना है। उसके बाद आप लोग जान सकते हैं कि आप लोग कैप्चा फिलअप करके आप लोग को गेट डेटा पर आप लोग क्लिक करना है। चलिए, हम गेट डेटा पर आप लोग क्लिक करते हैं, आप लोग को आएगा, आप लोग बताया आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग का स्टेटस चेक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि KYC इनका डाउन है। आप लोग देख सकते हैं कि KYC यहाँ पर आप लोग को डाउन लिखा रहा है। एलिजिबिलिटी आप लोग देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी है आधार मोड से, यहाँ पर पैसा क्या आधार मोड से जब पैसा आता है तो आप लोग अकाउंट नंबर शो नहीं करेगा। उसके बाद आप लोग को नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद आप लोग को देख सकते हैं सबसे बढ़िया समझने वाला यही बात है, आप लोग को देख सकते हैं कि जिनका इनका पैसा नहीं आया होगा इसमें आप लोग को देख सकते हैं कि लैंड आप लोग देख सकते हैं लैंड सेडिंग आप लोग को देख सकते हैं लैंड सेडिंग यस है। यहाँ पर जिनका इनका पैसा नहीं आया उनका आप लोग जान सकते हैं कि लैंड सेडिंग नो होगा। सबसे बड़ा एनजीए जिनका इनका पैसा नहीं आया उनका आप लोग देख सकते हैं कि लैंड सेडिंग आप लोग को नो रहेगा। यहाँ पर आने के बाद आप लोग को देख सकते हैं, सबसे आप लोग को देख लीजिए इनका पैसा यह है तो इसी कारण से यस है। यहाँ पर आने के बाद आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोग को देख सकते हैं कि इनका आप लोग को देख सकते हैं कि इनका जान सकते हैं कि 11th किस्त आने वाला था। आप लोग देख सकते हैं 11th किस्त में आप लोग को पेमेंट प्रोसीड दिखा रहा है। जी हाँ, पेमेंट प्रोसीड दिखा रहा है यानी इनका पैसा आ गया। जी हाँ, जिनका इनका पेमेंट प्रोसीड यहाँ पर आप लोग को शो हो जाएगा। आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग को पेमेंट प्रोसीड हो गया तो आप लोग पैसा आ गया है। आप लोग देखेगा कि अभी तक जान सकते हैं कि अभी तक जान सकते हैं क्रेडिट आप लोग हो गया है अकाउंट में, काफ़ी सारे लोग को पैसा आ गया है, इनका भी पैसा आ गया है। मगर आप लोग जान सकते हैं कि अभी तक इनका ब्रांच कौन ब्रांच में आया है, ये पैसा भी निकाल लिया मगर आप लोग जान सकते हैं अभी तक इस पर नहीं चढ़ाया गया है। चलिए, आप लोग बताते हैं कि जिनका इनका पैसा नहीं आ रहा है उनको आप लोगों को क्या आता है, क्या लैंड सेडिंग आप लोग को यस आता है या नो आता है। चलिए, हम आप लोग को भी आप लोग बताते हैं। जी, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं इनका पैसा नहीं है। इनका आप लोग को चेक करने के लिए वही प्रोसेस है। चेक करने के बाद आप लोग को देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं कि KYC बोले है कि KYC हुआ है कि नहीं, तो आप लोग देख सकते हैं KYC डाउन है। KYC डाउन होने के बाद आप लोग को देख सकते हैं कि लैंड सेडिंग में आप लोग को नो लिखा हुआ है यानी इनका पैसा नहीं आया। जान सकते हैं जिनका इनका लैंड सेडिंग में आप लोग को नो आ गया उनका उनका पैसा नहीं है। आप लोग कोई ब्रांच पे आप लोग जाकर चेक कीजिएगा, आपके पास अगर 2-3 ब्रांच पे अगर खाता होगा तो आप लोग को जब तक आप लोग का इसका आप लोग को जान सकते हैं कि जब तक इसका आप लोग का यस नहीं शो करेगा। जी, आप लोग देख सकते हैं जिसका आप लोग का यस शो नहीं करेगा आप लोग जान सकते हैं उनका आप लोग को पैसा नहीं आएगा। यहाँ पर आने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि इनका पहले 5वां किस्त तक पैसा आ गया है, 6ठा किस्त इनका आने वाला था। आप लोग देख सकते हैं कि RFC सिग्नेचर बाई स्टेट 6ठा इनका पैसा आने वाला था आप लोग देख सकते हैं इनका, लेकिन आप लोग को जान सकते हैं
लेट सेडिंग आप लोग को इनका नो आ गया, इन्हीं कारण से आप लोग को इनका पैसा नहीं आया है। अब बोले कि सर लेट, अगर आप लोग को जान सकते हैं, अगर आप लोग को भी अगर लेट सेडिंग आप लोग को जान सकते हैं नो आ गया होगा, आप लोग को भी पैसा नहीं आएगा, तब को इसका आप लोग को यस कैसे करना है, आप लोग सबसे पहले आप लोग वीडियो पर कमेंट किए हैं कि सर इस पर एक वीडियो बना दीजिए, तो आप लोग जान सकते हैं इसका आप लोग को यस करने के लिए। अभी जान सकते हैं कि अभी तक कोई भी ऑप्शन नहीं है आप लोग का यस करने के लिए। जैसे इसका आप लोग का यस करने वाला ऑप्शन आता है आप लोग जान सकते हैं, आप बोलेगा कि सर ये नो क्यों हो जाता है, आप लोग जान सकते हैं कि ये नो इसी तरह से हो जाता है क्योंकि आप लोग जान सकते हैं कि अगर आप लोग के पास इनका आप लोग जान सकते हैं पुराना, अगर आप लोग रसीद से अगर आप लोग ऑनलाइन किए होंगे, या आप लोग जान सकते हैं एल पी से लगा कर आप लोग रसीद से ऑनलाइन किए होंगे, या आप लोग जान सकते हैं कि पूर्वजों की ज़मीन पर आप लोगों ने ऑनलाइन किए होंगे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आप लोग पैसा उठाते होंगे, तब लोग जान सकते हैं कि चेकिंग में आप पकड़ा गए हैं, इसी कारण से आप लोग को पैसा रोक दिया गया है। सबसे पहले जगह इनका आप लोग को पैसा रोक दिया गया है। आप लोग को स्टार्ट करने के लिए आप लोग को डायरेक्ट आप लोग किसान सलाहकार से आप लोग को बात करना पड़ेगा, तभी आप लोग यस कराइएगा, तभी आप लोग को आप लोग जान सकते हैं। लेकिन आप लोग जान सकते हैं कि जिनका जिनका आप लोग जान सकते हैं नो आया है, उनका आप लोग किसान सलाहकार से आप लोग को बात करना पड़ेगा। पर 4 महीना पर जब जब पैसा आने वाला रहेगा आप लोग को जाकर आप लोग जान सकते हैं कि 4 महीना पर आप लोग को वहाँ पर आप जाकर आप लोग का वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, उसी के बाद आप लोग को पैसा मिलेगा। और यहाँ था आप लोग को पैसा अभी तक आप लोग को रोक दिया गया है, अभी तक इनका आप लोग का जान सकते हैं यस करने वाला आपको भी अभी तक विकल्प नहीं आया है, आप लोग जाकर डायरेक्ट किसान सलाहकार से बात कर सकते हैं। इस बार पैसा आ भी गया होगा और आपके पास आप लोग जान सकते हैं कि आप लोग ज़मीन नहीं होगा अपना खुद का, तभी आप लोग को नेक्स्ट केस में आप लोग को पैसा आप लोग जैसे ही इनका चपेट में आइएगा तो आप लोग का पैसा बंद हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो भी आप लोग समझ आ गया होगा। आप लोग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।